शैम्पू लगाना ही पड़ेगा, 2 साल हो गया दाढ़ी मार सिर में शैम्पू बाड़ बिल्कुल क्रिस गेल तो पर लिए बाबा 18 दिन हो लिए गाग नहीं आया गाग नहीं आया 10 दिन और रुक जा फिर तेरे काटूंगा 10 दिन क्या मेरे हिसाब तो आज मेरी रिबॉन्डिंग कर जा जा रिबॉन्डिंग क्या हो अरे ना बाल वो सीधे कर दे चिमटे तो जब चिमटा ला ढाक कर तो और क्या क्या बाबा तेरे पर कुछ आओ अभी नहीं तो 1000 बार काम का 5-7 महीने वहाँ चंडीगढ़ चला जा काम पर वहाँ क्या होगा तू ठीक लेता काम तेरे गाँव के सारे चौधरी सारी जिंदगी होगी मेरे पर कटवार है चल बाल हटा कर बाल काट रहा था भाई बैठो जी भाई साहब परे को रख बाल बहुत है तेरे इसीलिए डबल पैसे कह रहा था मैं अरे कहीं नहीं बाबा ब्याह में जा रहा इस रुक नहीं फेरा करते देख सीख भी ले कुछ ला इनमें दिखा यहाँ फेरा करो सारे मो अरे यहाँ थोड़ा इसको बाल आ रहे अरे काला तो है कम से कम सिचरा होगा चल ठीक है लाठा जल्दी इसके बाल काट दे तेरे तो पहले काट दूंगा मैं तो एक चीज बताऊं इसके बाद है तांबे के तार अरे कैंची नहीं लगी है हाँ देख कन्नों में भी सुवर के कैसे लोग बाल चढ़े पड़े चुपचाप काट इंगे उकर भाई इंगे उकर रख तू भाई इंगे उकर ही सो इंगे उकर ना एक काम कर बाबा परों को मैं काट रहा पहले खुदा ना खासा कभी तुड़वानी पड़ जाना जैसी भी लगानी पड़ेगी इस पर मान लो 1000 लीटर का वो बन जाता ना टैंकर क्या कहो अपनी तो देख ले बुगले जैसी हो मुझे और भाई आए अरे 20 रुपए और दे दे तुझे नुहाई देंगे जब आज ला जोड़ मत भड़को अरे बाबा जोड़ मत भैंसा ना वो तो ये कौन सा तुझे आदमी दे रहा है अभी तो भैंस ही चल भाई फिर आ अरे यार क्या है हट तो भाई फिर अरे जान दो तू लाश दर्द है तुम्हारी टंगा दो इस काले सेंट से के मेरा काट तो जी भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जी नहीं मानना था दिन में आ गया है यार भैंसों का थोड़ा ही कटेंगे फिर आदमियों का कटेंगे तो कटेंगे चाहे 2 महीने हो जा वैसे एक बात बताऊँ बाबा हम ना आए थे कमने वाले कटे ना सारे गाँव हमारे भाई कटवो सिरों के बाल कितने कटे बैठे ये बात तो है तुम ही तेरी तुम मुझे कुत्ता सा लगो अगर मैं कुत्ता था तुझे कुत्ते का बिल्ला फिर मेरा नहीं है तू ना तू भी शेर में भी शेर हाँ तेरे बाल इतने बड़े बड़े हैं मुड़ तोड़ का तक से देख रहे हमें अपनों को भूख लू अरे बाल बूढ़े थे भाग ले लेकिन एक बता रहा हूँ 18वां दिन था जो एक गाह गया वो भाग गए काम चलता नहीं तो फिर क्या करो भाई इस दुनिया स्टैंडर्ड में हो रही दुकान बढ़िया वाली करनी पड़ेगी बता करो तो 10,000 रुपये मेरे को 30,000 तू कर ले एक मार्केट में दुकान मिल रही वो कर लेंगे मेरे अपनी अब उसमें सामान कहाँ लाओगा अरे पूरी दुकान है वो नाई की तो छोड़ रहा उसे हम रख लेंगे अच्छा हाँ क्या पैसे डाल मेरे हिसाब से खाते मुझे तो मतलब मेरे 50,000 रुपये पड़े तो काट ले जा बाबा जा कितने पैसे काट को वो दे भी ना फिर बात करेगा तू अरे कर रखी मैंने बात तू ले आ जा अपने पैसे काट को ठीक है ला मैं लाऊं कटवा के मेरा जूता दिखा तुझे थोकने को तो तू ना काट को क्यों बैठो तू अपने आप को होशियार बनो सारे हमारे बड़ो ना नंगे पाओ गुजारी जिंदगी हम तक हम तक जूते पहन भी रहे बता ला कब जूता भर दिया हो कोई नहीं बाबा तूने भी गड्ढा भर रखा घर का चल जल्दी काट ला उस तो बात कर लो तू उस तो हुई भी बात आसिफ हाँ बाबा आएगा हाँ
ले आ पैसे। हाँ ले आ पैसे। ला दे। तेरे कहाँ तो दिखा पहले अपने। मतलब यहाँ देखना। क्यों रे? कैसे जा रहे हैं? कहाँ 2-2.5 लाख रुपए दिख रहे हैं मुझे। अरे 10 कहाँ हैं तो ऐसे 1,30,000 रुपए हुए हैं। तेरे पे कहाँ था? तू तो 10 बता रहा था। अरे 10 तो मेरे खाते में पड़े थे। 10,000 का मैंने ठिया बेच दिया अपना, दुकान बेच दी मैंने अपनी। अच्छा बहुत बढ़िया करा। अरे 1 लाख की भैंस और कल्डी बेच दी थी। भैंस और कल्डी क्यों बेची? और क्या करता मुँह, तो वहाँ टेम देगा भैंस, वो टेम देगा तू। अरे वहाँ से तो 60,000 रुपए में बता रहा था, तो इतने पैसों का करवा क्या तो बता। 60,000 में मिल लीगा ऐसी दुकान, देख को उठ जाएगी ला तू जल्दी से। चल चल कहाँ तू, गड्डी कार्ड में अपने हथियार उठा लो। चल ठीक है जल्दी। अच्छा बाहर ही मिलिए। ठीक है। भाई साहब वीडियो पूरी देखे हो, बहुत मजा होगा। और भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, बाद में याद नहीं रहते, कर दो बेटे बस। कर दो कर दो। हाँ भाई साबिर क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। ये मेरे बाजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है पैसे दे भाई। ले भाई अपना पैसे गिन। अब गिनना कि हम पैसे दे रहे हैं। अरे भाई पहले ही बता रहा थे उसका, जो दुकान में है ना सब कुछ मारा, कभी कहने लगे ये टांगा कंगा टांगा सीसा टांगा सब कुछ हमारा। कोई बात नहीं, एक अद्धी कैंची ले जाने चाहे अगर ले जाइए भाई, कैंची लाई हम। नहीं कैंची भी नहीं पापा, मैंने वो बात पहले करी थी, जो भी दुकान में सामान है सब कुछ मारा भाई कुछ। ठीक है ठीक है चल भाई फिर। ओ भाई साहब इसे कहाँ ले जा रहा बेग को, पहले ही बात हुई हुई। दे दो मेरा। क्यों दे दो पहले ही? सामान की तो बात हुई भैया, बैग की थोड़ा है ना हुई। भाई इसमें भी सामान हम बाहर जा करेंगे, मेरे बाबा कहाँ में जा करेगा, इसमें कहीं चले गो देने। चलो रख लो, उसमें मैं खाना लाता तो आप ही रख लो। जा कुछ भी। हाँ जा। ओ भाई साहब जूते ना पहनने होते आना। क्यों है तेरे जूते पहनने का? मेरा बाबा कभी होशियार बनना हो। क्यों मारा? दुकान लेनी आज जरूरी थी, कोई आप बता रही थी। क्यों? 2-4 दिन बाद लेते हैं। उस तो क्या होता अगर यो अपनी घरवाली को यहाँ ले आता, जब सब कुछ छुड़वाना छुड़ा ले तो इसकी घरवाली को सब भेज देते। तो बात है, जब ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, यहाँ खड़ा हो जा, जो भी कहा का होगा सबको भीतर भेजता रहे। चल अरे लड्डू तो है नहीं, मोहरत मोहरत सोरत बाद में करेंगे। वैसे फिर मैं बाड़ काटा कह दूँ। हाँ यूँ कह जाए, पैसे काटो जाएगी भीतर। तू यहाँ खड़ा हो, कहा भेजे जाइए, तेरा काम ही वही। ठीक है नुकैये नुक जो भी वितर होगा नुका, फिर मैं मेरा बाबा काटा कुछ पकड़वाता, तू पैसे लिए 500 रुपये। ठीक है यहाँ खड़ा रहे, 1 साल तक तू यही रहना, हम बैठेंगे ऐसी में। अकेला ये था अकेला, अब ना रहा ये आवारा, इस झलक में ही था फलक पे ये उड़ रहा है बंजारा। अकेला ये था थकेला, अब ना रहा ये आवारा, एक झलक में ही था फलक पे ये उड़ रहा है बंजारा। इस धड़कन की रफ्तार क्यों ये बढ़ गई, क्यों नजरों से वार तू ये कर गई, ये कैसे हाल में तेरे जाल में फंस गया ये बेचारा, ना कदर रहा ना सबर रहा ना। बहुत तगड़ी गर्मी बाहर तो भाई। आसिफ। हाँ बाबा। हम तो फंस गए बैठे, मुझे नहीं लग रहा वहाँ पेडे के नीचे एक अद्धा कहा कहा जाता, और दूसरी चीज गांव में तो प्रधानों के कट्टू ही जाते। बाबा मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा। क्या आ रहा बता? बाबा ये दुकान चलती नहीं। ये आइडिया ये तो बद्दुआ। अरे ये तो बात हो, आइडिया तो दूसरा। हाँ बता क्या आइडिया। बाबा जब तक इस दुकान में हम कोई सामान नहीं रखने के ना, जब तक चलने के नहीं। सामान मैं थोड़ा सामान रखा कि रिम सी पता नहीं पाउडर भी कैसे, मुझे तो नाम का भी नहीं पता। इस तरह तो क्या सामान रखोगा तू? अरे यो सामान नहीं बाबा, वो सामान जिस तो तू फारिग हो चुका। मैं कहना क्या चाह रहा, पहले ना बुझाओ जो कहना साहब के। यहाँ बाबा लोंडी चाह रही। लोंडी लोंडी तो क्या होगा? अरे बाबा लोंडी कोई देख को कहा रहे,
तू यो देख के तो रोजी भी नहीं भीतर आती और तू गेट पकड़ा हुआ जाके सुबह रही 15 दिन है के कोई गाग नहीं आया इनको बाल काट दो जी ले बाबा तू आज भीतर बैठा रोजी भीतर तक आ गया भाई बैठ चलो मारे रेट तो बता दे सर हाँ भाई 100 रुपये कटिंग हो 100 10 रुपये कटिंग हो 10 रुपये 10 रुपये दुकान भी देखे 10 रुपये तो देखने के ला 10 रुपये इधर बाहर जा मेरे को 200 लावा रुपये 200 लावा नहीं है हाँ मैं भी तो नहीं कह रहा 10 रुपये इस दुकान में बढ़ने के बिना कटिंग करवाओ 10 रुपये इधर बाहर जा उड़ा तू कम होशियार बन एक गाहक आया पूरे 15 दिन में ही सब भगा दे चुपचाप यहाँ बैठ चाह पूरे 15 महीने का गाहक ना हो लेकिन नियम नियम रहेगा 100 रुपये कटिंग का नियम हो तो नियम रहेगा अरे ज्यादा ना बनो छज्जू बाबा यहाँ बैठ जा एक मिनट एक गाहक आया अगर पता चल रहा तू मेरे भाई साहब ना जुड़वा 15 दिन बात सुन लो तू भी यहाँ बैठ की बड़ी बस सुन तो एक मिनट सुन तो बता इसके तो काट दो 10 लेकिन आगो लोंडी ला या कुछ भी ला 100 रुपये तक अम्मा कटिंग नहीं करने का मैं ठीक है क्या करवाओगा वहां कटिंग किस तरह का था क्या कर रहा गंजा कर रहा और क्या गंजा गुंजा ना करो मुझे 10वां गंजा ही होगा तू यार बनना हो तो फिर एक काम कर खत्म बना दे मेरा बस तू और ये जो बीच में टकला था होगा ये तो कोई बात नहीं ठीक है बाबा पानी की बोतल ले जा देखो एक चीज हो 100 वाले का आग के काम करूंगा 10 वाले का कुछ तो बताइए क्या कर रहा हूं क्या ये क्या था द्वारा 10 वाला और क्या रुका रो ये सूख जा हाला पैसे दे करवा देखा बाबा ई करो कमाई वाह बाबा वाह मजा अरे ताया तुझे प्रधान बुला रहा मैं नहीं जाता जूता प्रधान के धुरे तो अपनी दुकान कर ली हम ना जावे तो कह दो प्रधान को कह दिए बाबा चले जा फिर वो तेरे हाथ में पड़ो तेरी हिम्मत किस तरह हुई हमारे बाल निकालने का तू है अजी मैं तो आ रहा हूं पर लगा तो मारूं आज तुझे लगा हाथ अजी माफ कर दो लगा दे नहीं तो 11,000 की लेन पे फेंको कोयला बना देगा तेरे फड्डर से मैं भाग रहा हूं आज के बाद लगा अजी बहुत बड़ा कपड़ लग रहा है अरे ट्राई टू कर मेरी जान एक बार और लगा बहुत इतने लगाने का मैं चाह रही फेंको लग गए जा बचाने से बोल्ड छूने से तेरे एक काम कर बेटे तू इनके पधरने के बाल तो काटने पर डर नहीं चाह दुकान नहीं शोरूम खोल लो अपना मेरे उसमें थैले में कैंची कैंची से घेर दो ला हो मैं बाबा दो कंघे ये ना दो कैंची एक ब्रूस और दाढ़ी बनाने की ट्यूब घेर दो है घेर दो फुआरा हड़के वाला गिरू बढ़िया वाला फुआरे की जरूरत नहीं है इनके बधानों के पानी लगा कर दूं मैं चल ले फिर ठीक है पकड़ियो चला चल ध्यान रखे 100 रुपये तक अम्मा ना काटिए ठीक है प्रधान जी अरे आ जाओ प्रधान जी दुकान स्टैंडर्ड की खोल ली खासकर थारे लियो तम इस भी घर ही बुला रहे बाल बनवाने को आ जाओ जल्दी बना दूँ फिर मुझे कहाकों को देखने वहाँ भीड़ हो रही है आजकल मार बा मार दी चले बड़े भाई के सामने बड़े भाई के सामने की मार करेगा अरे किम साहब माफ कर दो रुक बे रुक रुक दिल ले पटेल भाई से माफी मांग अभी होश में आ गया होश में पीछे होके बैठ अरे भाई
तो बता मैं आप है क्यों। भाई वो तो मुझे भी नहीं पता, जो बड़ा भाई कहेगा वो मैं करूँगा। अरे प्रधान जी क्यों मार रहे, कोई गलती होगी का? मार गए क्यों, तूने पहली गलती तो यूं करी, हमारे सिरहाने बैठेगा तू। चल हमने तुझे माफ कर दिया, दूसरी बार फिर सिरहाने पे बैठ, दूसरी बार सिरहाने बैठ रहा। चल सिरहाने बैठेगा, घुटने बैठ, सिरहाने पे बैठेगा हमारे, पैर दबाए मेरे नहीं बड़े भाई के। कटवाने का हो रहा है पूरा? हाँ ये तो है, बड़े भाई मैं जाऊं कर लूं काम। चले चल ठीक है। अरे प्रधान जी अजी बनवा लेते बाल, फिर मुझे जाकर के दोनों जाना दुकान को। मैंने तुझे बाल कटवाने के लिए बुलाया था का? और मैंने तुझे रिश्ते के लिए बुलाया था, तेरी लोंडी के लिए एक रिश्ता बटा कर रहा तू बटा। अरे नहीं भी तो दुकान खोल कर दे उसको, जब दुकान ठीक ठाक से चल जाएगी फिर करेंगे, उसका ब्याह भी नहीं करते। अच्छा चल ठीक है, मेरी उंगलियाँ मटका दे थोड़ी बस। आओ भाई बस 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 बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओ नेवले नाई और आइए जी। कहाँ जा रहा? चलो जी दुकान पर, बड़े भाई के बाल बना दिए। वो तो किसी और काम के लिए बना बुलवाया था उन्होंने रिश्ते। फिर मेरे बना बाल? अजय थारे बाल भी नहीं बनाने का मैं, तब नाच दो ना पैसे दो। कौन कह रहा तू नाच नहीं लेते? हम कह रहे हैं। कौन कह रहा? अच्छा हम कह रहे हैं, और कौन कहोगा? भाई तेरे घर मेरे यहाँ से चावल भी जा, जो मेरे यहाँ बच जाना मैं चावल भी तेरे घर जा, समझ गया? नहीं तो वो तो कहीं करो था वो जी, मैं पैसे भी दे नाच भी दे। चल दादी मना फालतू ना बोलिए। देखो दादी मैं बनाने का नहीं, थारा ब्याह में चार दिन काम करा था मैंने लोंडी के ब्याह में, 200 रुपये देते 200 रुपये में तेरी लोंडी को दिया था वाली मैं वाले दिन जाकर। साले खाल डालूंगा 200 रुपये बताएगा, मैंने 2000 रुपये दिए। 2000 200 रुपये दिए थे। किन्ने दिए तुझे 200? प्रधान जी ना बुलाओ, प्रधान जी को जंगो, प्रधान को। बड़े भाई क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रखा? बड़े भाई तुमने से नेवले को कितने पैसे दिए थे लड़की की शादी में? 200 रुपये दिए थे, क्या होगा? 200 क्यों दिए तुमने? पूरी इज्जत खराब कर दी ताई के सामने मेरी। बस उनको धोखा दिया तुमने मुझे, धोखा। पर टेंट वाले को दिए थे, क्यों मरना? हम भाग गए थे, इसके पैसे मांग गए, पकड़ इसे, पैसे मांग गए, पैसे मांग गए ना दादा, आराम फोर। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। मैं किसे बुला रहा? हैरत में किया तेरे नूर ने, मैं तो मदहोश हुआ, बदला सा लगता अब सब कुछ मुझे, तूने ये क्या किया? ए रोलो मुंह बंद कर ले। कौन है? दिस इज माय बाबा। हाय बूढ़े बाबा। हाय हाय, तुझे 1000 बार समझा लिया, बाबा मैं घर हूँ, यहाँ रिश्ते नाते ना गड्ढा कर, यहाँ हूँ तेरा सर। दिस इज बाबा फॉर एवर सर। ठीक है बूढ़े सर। बाबा एक काम कर दू, गाँव में अनाउंसमेंट करा के आओ। अलाउड लाऊंगा? अरे एलान दे एलान। अच्छा अच्छा अच्छा, हम अलाउड ही करा का रहे काम। आ तो मेरे साथ चल। कहाँ चल? ऐलान करवान। अरे बाबा यो क्या करेगी तू, चला जाना। हाँ सर आप जाइए, मैं नहीं जा रही। तो फिर एक काम करिए, बोल लो इस तरह मेरे लोंडे तो बच कर रही हो, ऐसा ही यो मेरा ऑर्डर हो। ठीक है सर। मेरी बात सुन लो जी, यो मेरा बाबा ऐसा ही, अगर कल कल आप कुछ होगा बैर ना गई हो। बैठो लाओ तारा, थोड़ा टचअप सा कर दूं। नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तो ले फिर मेरी दाढ़ी बना दे। हाँ, ठीक है। यही है ना? भाई मैं बोल रहा नहीं उड़ा, हमारी दुकान पर आज तो लोंडी बाल काटता हूँ, जिसे कटवाने होंगे दुकान पर आ जाओ, लोंडी बहुत बढ़िया और बाल भी बहुत बढ़िया काटो। मेरे पास और तो भेज दिए, आओ भाई तुम तो आ जाओ। गल्ला सिद्धियां मैं करा ना करा एक रेट सक्सेस मैनू मिलिया करा के पूरी वेट ना मेरे दे हुन लग दे ने उच्चे उच्चे रेट हुन हाथ जोड़ मिल मैनू वड्डे वड्डे सेट सलाहां करदे सी काफी कहंदे कुछ नहीं होना हुन कल्ला कल्ला फिर दा बनाउण नू परौणा कोल कोल हुन लंग दे नी दूर हो के खंग दे नी वेख के चढ़ाई मेरी मैनू सारे लब दे नी कान ला के सुन दे ने गल यार दी ना तो जानी जांदी हुन गली यार दी भाइयों ऐसा हो आ
आज तो थारा नंबर आने का नहीं। अगर तुम्हें नंबर लगवाना पैसे जमा कर दो 200 रुपए और नाम लिखवा दो, नहीं तो कल को भी नंबर नहीं आता, भीड़ बहुत ज्यादा। चलो लिख लो कोई बात नहीं। हां दा पैसे दे। देखो आया 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 स्वैगर। कौन आया कौन आया, देखो आया 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 स्वैगर। कौन आया कौन आया, देखो आया 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 स्वैगर। मैं करा इज्जत मेनू मिलिया करा के पूरी वेट ना मेरे दे हुण लगदे ने उच्चे उच्चे रेट हुण हाथ जोड़ मिल मेनू वड्डे वड्डे सेट सलाहां करदे सी काफी कहंदे कुछ नहीं होना हुण कल्ला कल्ला फिरदा बनाउण नू परौणा कोल कोल हुण लंघदे नी दूर हो के खंघदे नी वेख के चढ़ाई मेरी मेनू सारे लभदे नी कान लाके सुणदे ने गल यार दी ना तो जाणी जांदी हुण गली यार दी swagger भाइयों बात ऐसी हो भीड़ बहुत ज्यादा हो थारा नंबर आओगा एक हफ्ते बाद और नंबर भी जिबाओगा जब कल को ग्राहक नंबर लिखवाओगे एक हफ्ते बाद अपना आधार कार्ड लेकर आइयो और कल को कंप्यूटर में नंबर चढ़वा दियो अरे एक हफ्ते बाद ही कोई बात नहीं माल देख बापू मुंडा तेरा हुण बने आ स्टार साइकिल तो मैं कार बनाती दुनिया नहीं मैं सोची पाती सोनू लिखता बल्कि तो मैं पूरी इंडस्ट्री हिलाती कल्ली कल्ली वीडियो ट्रेंड में कराती कल्ली कल्ली वीडियो ट्रेंड में कराती अद्धी रात लगती गेड़ी हुंदा यारा नाल फन ट्रिप करदा मैं कल्ला रखा सनरूफ ओपन मंडे भी वीकेंड बनादा ना कोई सानू टेंशन दिन ना मैं कोई देखा रोज खावा मैं चिकन अड़ी ते आके सब ले लें पर अज नहीं मन स्टाइल पूरा मेरा गैंगस्टर ना रखी कोल गन कॉपी करदे ने मैनू इना यारा दा टेंशन ने कॉपी करदे ने मैनू इना यारा दा टेंशन ਟੌਰ ਵੇਖ ਸੜਦੇ ਨੇ ਸਭ ਯਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆਇਆ 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 ਸਵੈਗਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਆਇਆ 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 ਸਵੈਗਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਆਇਆ 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 ਸਵੈਗਰ अरे प्रधान आए तो चल यहाँ बैठ। ओहो इसकी वजह से हो रहा है मामला। क्या कह रहा है? यहाँ बैठो। तेरा दिमाग खराब होगा, बस इसको कटवाऊंगे हम। इसको कटवाओ होगा तो वहाँ बैठ ले। वो नहीं क्या मैडम इसके बाल? अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? क्या हुआ? नहीं मुझे भाई। तू प्रधान होकर दी बेटियों को बुरी नजर से देख रहा, कोई तरीका आ रहा है? नहीं मुझे भाई, बुरा ना मानना मुझे। क्या तेरी ढी है? मेरी ढी कहाँ है? तेरी नहीं है ना है? चल फिर हट, बकवास ना कर, बाल कटवा मेरे। अटला काट। हाँ चल बैठ बैठ बैठ। चलिए सर चल बे चल। अच्छा क्या बता रही? भाई जी बाल बढ़ गए हो क्यों ना?
बोलिए सर, क्या करना है आपका? थोड़ी सी मालिश कर दे सिर की। बाबा क्या बात, क्यों रो रहा? अरे ये जो है ना प्रधान, इन्होंने इसके भाई ना कई बार चेता मुझे प्रधान ने दिखा हुआ अपनी, तो इसका बदला लेना जो हमारे ठेप आया। मैडम सर, हाँ जी, मैं जो स्पेशल वर्क करती हूँ ना, हाँ, वो आंखें बंद करके करती हूँ, कर दूँ? अरे करो। ओके। चलो जी चलो, दो मैडम स्पेशल वर्क। ओ ये ये रुक रुक, क्या करा, इतनी दवा क्यों मार दी? अरे ये सारी स्पेशल वर्क है, करो थोड़ा आराम। सर मजा आ रहा है? ये मजा तो आ रहा है, लेकिन ज्यादा मजा बर्दाश्त नहीं हो रहा। दफना दे दुनिया के दस्तूर को, मुझको लगा ले गले, दिल की ये बात जुबा पे ना आ जाए, मरता है दिल कहीं इश्क ना हो जाए, दिल की ये बात जुबा पे ना आ जाए। जी सर। बाल बना रही तू? इसका चेहरा ज्यादा साफ है या मेरा? ऑफ कोर्स सर, आपका ये अच्छा लगता है। इसको आप सुन करने की क्या बात है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे मतलब आप ही अच्छे लगते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो एक बात बता तू। बोलिए। तुझे कैसा लगूं मैं? सर आप मुझे इतने अच्छे लगते हो कि आपको देख के ना मुझे मेरे अब्बा जी की याद आ जाती है। इतने अच्छे लगते हो आप। चलो फिर ठीक है बेटी, कर लो काम को, 2 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, अब्बा बता रही। आ जाओ भाई, आ जाओ बैठो। मैडम जी को भेज दो ना। हाँ हाँ चलो बैठो। तो मैडम जी जाओ, उनके बाल काट दो। ठीक है, काट रही। अरे रो रही क्यों तुम? मेरी ना शादी होने वाली है 10 दिन के बाद, तो आप ना कोई और लड़की देख लेना, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये दुनिया नहीं मेरे पास तो क्या, ये जो दो बंदे बच रहे हैं, इन्हों का काम निटवा को बंद कर दो, ऐसा 12 बज लिए। अरे बाबा दुकान तो परमानेंट ही बंद होने वाली। मतलब? बाबा इसका ब्याह हो रहा। ब्याह हो रहा? कद को? 10 दिन बाद। और ये अगर चली गई तो दुकान बंद। तो यहाँ जाके हो रहा होगी कहीं, कोई मान लो कमी पड़ रही। अरे दूसरी आओगी फिर, कोई आप बता जाएगी वो भी अपना चली जाएगी, फिर दुकान बंद। वह क्यों जाएगी वैसा? अरे उसका भी ब्याह ब्याह हो जाएगा और क्या। तो एक काम करना, इस तो बात कर लो कर यार, आज यहाँ ब्याह करने को, तो इस तो ब्याह करके ही ले आऊंगे सर। अरे बाबा ये भी ना मैं ब्याह करता, तो दुकान चलाने के लिए कुर्बानी हम देंगे। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दियो भाई वीडियो। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सैलून है हमारा, हेयर स्टूडियो, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। हमने सैलून वापस कर दिया क्योंकि मैडम जी जा रही हैं, तो ये भाई ने वापस ले लिया है। आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, कटिंग करा सकते हो। देख रहे हो मेरा स्टाइल? हाँ। और देख रहे हो मेरा स्टाइल? अजी मैं आता वेकेशन था भाई का, तो जूँ और ही। आप लोग आके यहाँ पे बहुत बढ़िया कटिंग करा सकते हो, ये साविर भाई का स्टूडियो है और माशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छा काम होता है। आप लोग आए एक बार। भाई कहाँ से? बता दो यो रुड़की मो बापा ईदगाह कहाँ जी? ईदगाह रोड दीपाली कैसन से। हाँ समझ गए भाई साहब, दीपाली गैस एजेंसी की बराबर में ही है, आप लोग आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और ये देख रहे परी के बाहर अलग ले रहे पता।